C7 News के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। कोई भी दुपहिया वाहन खरीदने के लिए पेमेंट करें पेटीएम से और पाए 5,000 रूपए तक का कैश बैक ऑफर। ओ सर जी, ये तो एक्टिवा 5G। तुझे 5G दिख रहा है, मुझे तो अपना फ्यूचर दिख रहा है। पापा, हेलमेट। गुड मॉर्निंग सर। कम टू क्लासरूम, फ्यूचर दिखाता हूँ। आ गया है नया एक्टिवा 5G। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, बातें बढ़ेंगी और प्यार तो बढ़ेगा ही। तो आप फ्यूचर के बारे में कुछ कह रहे थे? वो फ्यूचर कुमार, वो यस सर। बैग, सॉरी सर। नया एक्टिवा 5G, लव इज ग्रोइंग। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। सागरश्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल, BPL कार्ड धारकों का नियम अनुसार निःशुल्क इलाज एवं कैशलेस सुविधा। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली शहर की निजी स्कूल पारस विद्या बिहार में नर्सरी कक्षा की एक मासूम छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कूल में पदस्थ चपरासी मासूम के साथ गलत हरकतें करता था। दरअसल नर्सरी की छात्रा पिछले करीब 15 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। जब अभिभावकों ने बच्ची से स्कूल ना जाने की वजह पूछी तो बच्ची ने बताया कि स्कूल के एक अंकल मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं। बच्ची की इन बातों को सुनने के बाद अभिभावक फौरन स्कूल प्रबंधन से मिले। पहले तो स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को हल्के में लेने की कोशिश की। हम लोग को कुछ बात करने के लिए मोबाइल से निकाल लो अपने बच्चों की। आज हम लोग ये बच्चे हम लोग को भेजते हैं, इतनी महंगी स्कूल में क्यों पढ़ा रखना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा है ना, बच्चे सॉफ्टवेयर दिया जाता है, बल्कि स्कूल में चाइल्ड स्टाफ क्या हरी नहीं निकाल रही है, वो पहचानने के लिए बच्चे स्कूल का पढ़िया ही है ही अननेसेसरी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। लेकिन सुन, 4 साल के बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घटी, ऊपर से यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कहता हम सभी को TC दे देंगे, सच्चाई को दबाना चाहते हैं। प्रशासन से मेरी अपील है कि बच्ची को बुलाए और पूरे स्टाफ जितने भी है उनका वेरिफिकेशन कराया जाए। आप इस तरह से आज एक बच्ची के साथ हुआ है, कल आपके विद्यालय में इतना सारा बच्ची पढ़ती है, किसकी जिम्मेदारी है? मीडिया और पुलिस जब स्कूल में पहुंची तो सारी हकीकत सामने आ गई। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि स्कूल में 3 जेंट्स काम करते हैं, एक चौकीदार, एक चपरासी और एक ड्राइवर। पुलिस ने बारी बारी से तीनों से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान स्कूल का चपरासी पुलिस के आवड़े में आ गया। वहाँ पे जो बच्ची, उसकी माँ से जो बात हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया कि बच्ची पिछले 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी और माँ को साधारण ये लगा कि हो सकता है बच्ची, कई बार बच्चे ठंड में आने जाने में स्कूल में आना कानी करते, उस वजह से है। पर अभी क्या हुआ कि उनकी माँ ने कल नहीं जा रही थी, जब पूछा होगा भाई क्या है, तो बच्ची ने अपनी माँ को ये बात बताई है कि कोई एक व्यक्ति जो वहाँ पर कर्मचारी है, काम करता है, जो जब वो वॉशरूम पे जाती है तो वहाँ जा करके कुछ गलत टाइप की हरकत दिखाता है। मतलब फिजिकली उसने अभी क्लियर नहीं किया, फिजिकली कोई अटैक या फिजिकली कोई टच अभी उन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई आता है तो कुछ गलत टाइप की हरकत करता है, मतलब दिखा करके ऐसे छुप जाता है, इस टाइप का कुछ उन्होंने बताया है। क्योंकि बच्ची काफ़ी छोटी है और अभी हमने सिविल में एक सब इंस्पेक्टर लगाया उनके घर पे कि उस तरीके से पूछताछ करके और FIR ले करें, और हमने एक टीम यहाँ पे लगाई हुई स्कूल में, सभी जो मेल स्टाफ है उनसे पूछताछ करके उनकी फोटोग्राफ्स निकाली गई है और उस लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैडम, कोई कार्रवाई हुई चुकी है? FIR हो गई है बच्ची की तरफ से, बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से FIR हो रही है और वो उनके घर पर। किस चीज पे मामला दर्ज किया आपने? अभी 2354 पे ही मामला कायम किया हुआ है और फिर जैसे भी जैसा उनका मतलब जो वो कथन करते हैं, जो भी घटना बताते हैं, उस हिसाब से धारा बनाई जाएगी।
शहर के इस तरह के निजी संस्थान किस तरह से यहां पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, इसका अंदाजा मासूम के साथ हुई घटना को देखकर लगाया जा सकता है। पारस विद्या बिहार जो आधुनिक पैटर्न पर शिक्षा व्यवस्थाओं को संचालित करने का दम्भ भरती है, उसकी हकीकत इस घटना के बाद सामने आ गई है। सागर संभाग का उभरता हुआ वेब न्यूज चैनल C7 न्यूज, जी हाँ C7 न्यूज, पल पल घटित होने वाली खबरें, हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें हम दिखाते हैं बेबाकी के साथ। हर खबर, तमाम खबरों के लिए जुड़िए C7 न्यूज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जी हाँ तभी तो पहुँचेगी हर खबर आप तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9406548786 और 8989444786।